गाइस अभी आप देख सकते हैं गाड़ी अभी पूरा ब्लू है जो ओरिजिनल है, बस इसमें कुछ नहीं करवाया है थोड़ा। तो ये गाड़ी अभी पूरा चेंज हो जाएगा फिलहाल, तो अभी देखिए कैसा लग रहा है, इसके बाद आपको पता चलेगा किस तरह का लुक। तो देख रहे हैं सारा फुल बॉडी रैप है, ये सब छोटा छोटा कटा हुआ है, जैसे गाड़ी में साइज है उस हिसाब से कटा हुआ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर यू मोटो ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी R15 V3 का कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए। एक्चुअली हम ग्राफिक्स मंगाए हैं सिलीगुड़ी से, तो वही कस्टम ग्राफिक्स है, तो अभी हम लोग वही उसी का इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हैं। और मेरे साथ है अभी जमील और हम दोनों जा रहे हैं अभी निरसा में, जा रहे हैं शॉप है स्टिकरिंग वाला जहाँ से हम लोग का सब गाड़ी का रैप होता है, तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और वहीं पर जाके गाड़ी का ग्राफिक्स और जो है मॉड जो क्या बोलते हैं रैप करवाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा उसका पैक, इसी बॉक्स के अंदर है मोटोक्रॉस ग्राफिक्स, और ये हमने मंगवाया इंस्टाग्राम से, और इंस्टाग्राम आईडी हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल तो आपको बता देते हैं अभी ये तो खोल नहीं सकते हैं, वहीं जाके आप खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह का ग्राफिक है कस्टम जो हमने करवाया है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और देख सकते हैं वेदर काफ़ी अच्छा किया हुआ है। गाइस अभी आप देख सकते हैं गाड़ी अभी पूरा ब्लू है जो ओरिजिनल है, बस इसमें कुछ नहीं करवाया है, थोड़ा बहुत जो स्टिकर ओरिजिनल है वो सब हम उखाड़ दिए हैं। तो ये गाड़ी अभी ये पूरा चेंज हो जाएगा फिलहाल, तो अभी देखिए कैसा लग रहा है, इसके बाद आपको पता चलेगा किस तरह का लुक जो कस्टम हमने ग्राफिक्स लगवाया है। तो देख लीजिए पहले, अभी पहले का लुक देख लीजिए, अब पीछे देखिए कितना मस्त व्यू दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग खालसा के पास पहुँच गए, अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे निरसा, अब यहाँ पर रुके थे थोड़ा देर, चलो अब डायरेक्ट चलते हैं निरसा। देख सकते हैं सामने पूरा बादल किया हुआ है, हालत पूरा ब्रेक हुआ, ब्रेक खराब हो गया पूरा दब गया एकदम। हेलो, हेलो, हाँ भैया दुकान कहाँ पे है आपका? दुकान है आप निरसा कांटा आइए। निरसा कांटा? हाँ मतलब निरसा मॉल से मोटामोटी 2 किलोमीटर आगे आइए। अच्छा वो हुंडई के शोरूम के पास का? हाँ हुंडई शोरूम, हुंडई शोरूम के आगे की वहीं पे। सो गाइस हम लोग दुकान पहुंच गए हैं, ये रहा अख्तर स्टेडियम स्पीकर, भैया दिख नहीं रहे हैं, फोन करना होगा उनको। तो गाइस अभी हम लोग रेडियम स्टिकर्स जो मिलता है और हम लोग रोबी रनर्स का ही मेंबर का है अख्तर, तो यहाँ पे अभी हम लोग गाड़ी का ग्राफिक्स इंस्टॉल करवाएंगे इस बाइक में। और भैया से भी बात हुआ, भैया भी बोल रहे हैं 10 मिनट में पहुँच रहे हैं दुकान, तब तक वेट करते हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग दुकान में पहुँच गए, भैया अभी बोले 10-15 मिनट हो गया, अभी टाइम लग रहा है, और गाड़ी यहाँ पर खड़ा है देख सकते हैं, वेट कर रहे हैं देखते हैं कितना देर लग रहा है। अभी देख सकते हैं अख्तर भैया आ गए हैं और अभी इसका अनबॉक्सिंग होगा, ग्राफिक्स जो अभी इसके अंदर है बॉक्स के अंदर। ग्राफिक्स तो देख रहे हैं सारा फुल बॉडी रैप है ये, और सब छोटा छोटा कटा हुआ है, जैसे गाड़ी में साइज है उस हिसाब से कटा हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग को इंडिकेटर खोलना पड़ेगा, फ्रंट इंडिकेटर ये हटाना पड़ेगा तभी जाके वहाँ पे ग्राफिक्स बैठेगा। तो गाइस देख सकते हैं इधर अभी बारिश होने लगा हल्का फुल्का, और यहाँ पे अभी गाड़ी उतारे नीचे से इधर से, और यहाँ पे अभी पैडअप स्टैंड लगा के अभी थोड़ा बहुत बड़ा साइज़ है ग्राफिक्स, तो उसको कट करके हम लोग को मिलाना पड़ेगा। और अभी देख सकते हैं भैया अभी अच्छे से अभी मेज़र कर रहे हैं, उसके बाद कटिंग होगा। गाइस अभी आप देख सकते हैं अभी बैठ रहा है धीरे धीरे करके, और थोड़ा बहुत बड़ा साइज़ है, क्योंकि बड़ा रहेगा तब काट के उसको
बैठा सकते हैं, छोटा रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए बड़ा साइज ही है। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख रहे हैं एक साइड जो फेयरिंग है वो इंस्टॉल हो चुका है और अभी अंडरवेली बाकी है, अंडरवेली लग जाएगा। अंडरवेली के लिए ये वाला स्टिकर है, तो अंडरवेली को भी अच्छे से साफ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स लगेगा अंडरवेली। तो गाइस गाड़ी का काम अभी भी हो ही रहा है और जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि काम हो रहा है, तो अभी आपको क्लियर अभी दिखाएंगे नहीं, अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे ना। अभी क्या कर रहा तू? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा उस साइड बाकी है, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस देख रहे हैं अभी भी काम हो ही रहा है और अभी समय हो चुका है, देख सकते हैं 5:15 हो गया और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी टाइम लगेगा, एक घंटा लगता है, एक घंटा से ऊपर लग सकता है। और ये दुकान आपका हाईवे से है और इधर है नीरसा मोड़ और उसके आगे के ट्रक वगैरह जो यहाँ पे ट्रक वगैरह है ह्यूंडई शोरूम है उससे, उसी के जस्ट अपोजिट भी ये शॉप है और यहाँ आपको हर चीज़ हो जाएगा, गाड़ी का जितना कुछ आपको स्टिकरिंग रैप करवाना है यहाँ और नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ बन जाएगा। तो देखते हैं कितना समय लगता है। देख सकते हैं अभी हम लोग मास्क लगा खोल दिए, R6 मास्क लगा हुआ था और ये जो मास्क है ये ओरिजिनल मास्क का जो ग्राफिक्स मंगवाए थे, तो ये अभी लग रहा है। इसका हम नहीं दिए थे मेजरमेंट, इसका नहीं दिए थे, ये जो मास्क है R6 का नहीं दिए थे, तो उसका दिए थे ओरिजिनल वाला, वही भी लग रहा है, देख सकते हैं। इससे सबक ये मिला कि बाबू एक दिन ला के गाड़ी छोड़ दो और घर चल जाओ चुपचाप। आप लोग दूर का है इसीलिए ना, तो हम तो गाइस देख सकते हैं मेरा गाड़ी अभी देखने के लिए बहुत भीड़ लग गया है, मेरा रैप हो रहा है तो बहुत लोग देखने के लिए आ गया कि कैसा रैप हो रहा है, कौन सा गाड़ी है, सबको अभी पूछ रहा है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टैंक हो रहा है, तो अभी भी कितना देखते टाइम, अभी 7 बजने चला, 12 बजे आए हुए हैं। गाइस देख सकते हैं अभी से पब्लिक रिएक्शन मिल रहा है और अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं लोग इतना अच्छा, भी रात हो गया है तो उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, अभी से ही रिएक्शन मिलने लगा ना, अभी से रिएक्शन मिलने लगा ना, एकदम बहुत लोग आके अभी पूछा कि कौन सा गाड़ी है, उसको पता ही नहीं चल रहा कौन सा गाड़ी है। सो गाइस हम लोग का अभी काम खत्म हो चुका है, गाड़ी पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स दिखेगा, अभी तो ब्लॉग एंड नहीं करेंगे, सिनेमेटिक शॉट्स दिखेगा तो आपको वीडियो एंजॉय कीजिए। सो गाइस हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए गाड़ी, तो आपको सिनेमेटिक्स दिखाएंगे, तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गाड़ी रैप हो चुका है और आपको बताया था कि सिनेमेटिक शॉट्स दिखाएंगे, तो गाड़ी अभी पीछे खड़ी है इस जगह पे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे सिनेमेटिक इसका और आप सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए। जैसे कि आप लोगों ने इस गाड़ी का सिनेमेटिक देख लिया और अभी हम आपको बताएंगे कि इस रैप का कितना कॉस्ट पड़ा, तो ये रैप मैंने सिलीगुड़ी से ऑर्डर किया था और सिलीगुड़ी से ऑर्डर किया था इसको, तो हम कस्टम रैप है और मुझे ये रैप का पड़ गया था, ग्राफिक्स का पड़ गया वही 3700 मतलब 4000 के आसपास पड़ गया था और इसको हमको स्टिकरिंग जो इंस्टॉल करने का चार्जेस हमको 1000 रुपया लगा और आप देख सकते हैं इसका लुक साइड बाई साइड। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सिनेमेटिक देख लिया और आपको प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिए, तो चलिए आपको गाड़ी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।